ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਪੂਜਾ ਪਰਮਚੰਦ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੂਜਾ ਪਰਮਚੰਦ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹਾਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 48 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ
उसके ध्यान करें। जाते
बस ये मंदिर है खास कोठड़ी है उसके शहर शहर ने सिखाना है वो खास जगह पे है वो किसे सब कुछ ये अंदर है इसका अंदर सब कुछ वैसे खंड मंडल पाताला इसका अंदर जीव जीवन दाता वैसे सब ना कुछ पाता इसका अंदर नौ खंड पृथ्वी आठ पटन वाजारा इसका अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ जीव संसारा ब्रह्मा विष्णु सब ये अंदर ने राम कृष्ण के अंदर ने तीर्थ के अंदर ने सब कुछ ये अंदर है एक खास चीज है जो कटे ये तो कई ने कटी है बाकी ना ये किसी वेले ने कटी ये असली भक्ति है जी जन्म आते पता छुड़ा बाकी ना Thank you.
छुटकारा तो ना होया रीत नहीं करोगे रीत तो है जिन्हें मर्ग का प्यार उठे अंदर मर्ग की प्राप्ति हो अंदर शांति आए इस वास्ते करते हैं कि जन्मबंध बंध छुट जाए मालिक मिल जाए अंदर शांति आए ये ना आए तो फिर किस काम नाम सब चालो ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरे नानक साई बली प्रीत जित हर सिद्धि पत्र है किया जामी ने मैं कुनी जामी अंदरिश्क इसमें रस में केश आपनी बात बड़ी रस में के पैदा कर दे कह जामी तू सारिया रस्म रवाज न परे सिट उस रस्म से कुरबान जा जिन्हें मत का प्यार उठे
मालिक की प्राप्ति होवे जे निर्देश करना कीर्तन सोचो सारी दिहाड़ी फसे चीज लेंगी कोई असल मतलब यह है कि असं अपना जन्म के बंधन छुट जाए अंदर शांति आ जाए काम क्रोध के आगे सारी मेहनत सड़ती पड़ी है असल मतलब ये हम ये वास्ते अस कम मसल टेके लाए और स्यापे लाए कृष्ण टेके लाए स्यापे लाए किन्ने जप किए तप किए यज्ञ किए योग किए पुन किए दान किए 88,000 तप पौन हरि बने सोचो एक दफा दरख्त जी मारता जी पानी पी लेंदा सी मन ने मारता मर की प्राप्ति बचाने से विश्वामित्र ने 60,000 तप किया मन ने मारता प्राचीन जी पूर्ण योगी हो गया है रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां पर मन ने मारता मछोदरी ते मारे गए मछंदरे इस देह चो निकल जाता से आत्मा तीन शरीरां च कैद है पहला कारण शरीर है उहदे ते सूक्ष्म शरीर है उहदे ते स्थूल है इस देह चो निकल जाता से इह वी उहदी बाजरी है मन तां फिर भी कप आया मन ने ख्याल किया विषय को किए ताज पाठ करिए किसी राज का ध्यान होया अपनी रूह न जिसम चो कढ के ओ जिसम प्रवेश करके विषय को के राजपाठ किया सोचो एक मिनट च मारता फिर तेरे दे वास्ते कहने गुरु की लोड़ है बड़े बड़े गुरु किते अगर उन्होंने गुरु किया प्राचर ने जिन्हें डिजे सिद्धियां प्राप्त कीतिया कोई गुरु किया ता ही कीतिया मछंदर जो देह चो निकलिया कोई गुरु किया अगे निकल रुकावटा ने अगे छड़ा तो कोई ना मिले सोचो उन्होंने समझे बिगड़े दौ लगा मेरा सतगुरु सुख सहर सिद्धि कर जाते वो बिगड़े दौ ने अंदर विसन के रगड़ा है भारी कुछ समझे संत जान रड़बड़ मच रही भारी अजीब रड़बड़ है अगर तिरकी का किला काल का हेडक्वार्टर है तो कोई नहीं निकले क्यों करवन तुरकी सुट सी सहज मिले सुख होए सानू उस गुरु की लौड़ है जरा जन्म के बंद छुड़ा दे इन्हें बिगड़े दौ च लगा दे अपने घर लै वो एक ही गुरु है उन्हें सारे छड़ी बैठे ने वो गुरु एको ही है कहना कितने आ त्रिलोकी के पार चौथे लोक च सब कहते हैं जिन्हें शब्द है सुन हिरदे सतगुर सैदानी सतगुर सतपुरुष को जानी कहना कितने है चौथे पद में करे निवासा तीन लोक में काल कवासा वो चौथे लोग सतपुरुष सतगुरु है वो कोई नहीं अकालपुरुष कहो सतपुरुष कहो ये जी रचना का कम है ये सतगुरु ने काल के स्पुर किया है खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले बस आप प्राप्त किया ये रचना चलाने वास्ते उन्हें की किया जीवन लैक कैद किया गया पहले तीन श्रेणी च कैद है होर पाप हों का जाल पाता पाप हों बीज की कोट यह बीज है जिन्हें दुनिया चलती पी है यही महात्मा चरणदास कहते हैं पाप उनके सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड इन दोनों के मिट गए खंड खंड विले जन को होता है पाप उनकी सूझ सूझ तेरे भाव जाल से होते रह रहे सारी दुनिया से चुलती पी है पाप उनसे जे पाप किते तो गंदी दुनिया च गया ज्यादा हो रहे तो नरक च गया जे पुन किते तो चंगी दुनिया च गया ज्यादा हो सुरग च गया सुरगन सुख हो गए बेचरा सी प्यार है इंद्रपुरी में सिर पर मरना ब्रह्मपुरी ने चलनी रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया अस्पताल छुटकारा तो ना होया अच्छा छुटकारा तो ना होया हे चौरासी भुगने पर कृष्ण भगवान ने कहा हे उदो आज जरा कीड़ा जाना है कहता सुरगन का राजा इंद्र बनया कहता सृष्टि करता ब्रह्म बनया अजय कीड़ा है फिर उन्होंने सुरगन ने की फायदा ये महात्मा चरणदास कहन जो पे काल पर्यंत नर जीवे कोई तो भी होवे नाश ब्रह्मा के संग ही जो पे देवन के मांगी जाके करे तो भी नहीं छुटे कर्म मुक्त करना नहीं फिर भी मुक्ति नहीं छुटकारा नहीं जन्म बंदे बंदे नहीं छुट गए ये अपने अपने हितों च फसे पे असली चीज छड़ी बैठा है ना इन कौम का पता है मेरी केड़ी है ना इन देश का पता है देश केड़ा है अभी खुशी और शांति का
जिन सत लोग कहने अमर लोग कहने एक काल ने फरमाया है, उन्हें अपने भक्तियों होर भी जारी किए ने केड़िया जोग जाप नेम वर्त पूजा बहु परपंच पसारा हो जैसे बधिक ओ टाटी के देव विश्वास चारा हो फिर जोग जाप वगैरह सब होते हैं। किसी हद तक ये जाके सुख हासिल कर सकता है लेकिन जनमन के बंधन नहीं छुटते। जनमन के बंधन छुड़ाने वाला एक ही सतगुरु है जो चौथे लोक च रहा है। सारे असली बाहर फेरे जिस फकीर आया उन्हें कोई नवा नौ रखे उसके बाद जातं बन गई। कल सच्चा सौदा एक बन जू फिर कल देख लो अगे बनते आए ने गाह ये बन जूगा। इन पता नहीं मैं कौन हाँ जिन्हों पुछो कोई कोई मैं सनातनी हाँ कोई कोई हारी हाँ कोई कोई जैनी हाँ कोई कोई राजस्वामी हाँ कोई कोई सच्चे सौदे वाला कोई कोई पूछा कोई 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 खालसा सोचो असली चीज भुल गया है कौन है। कहो कबीरे राम की अंश ये राम के अंश तो भुले गया सतपुरुष की अंश है यह देह सच खंड सतलोक अमरलोक अति खुशी और शांति रहे जिदा अस रोज पढ़ते हैं बेगमपुरा शहर को नौ दुख दो नहीं को ठाँ ना तस्वीस ना खराज ना माल खौफ ना खदा ना तर जवार अमर खूब वतन गया पाई वह खैर सदा मेरे भाई वो खुशी और शांति का देश है खैर ही खैर है सुखी सुख है। जब तक उठे नहीं पहुंचता जब तक मुकम्मल शांति नहीं जनमन के बंधन नहीं छुटते अपने हाथ से रखिए दात सतगुरु दाते दात रखिए अपने जिस भाव दात उन्हें अपने गुरु गोबिंद सिंह की कहते हैं असं जातों के बंधन च पे हैं उन्होंने ताली तो पकड़ता ही कोई नहीं की कहना बोली बोलो सब मानस की सुनो मानस की जात सबे के
सारे का गुरु एक ही है, वो सतपुरुष ही गुरु है जो जन्म के बंधन छुटाने वाला। जो चौथे लोग च रहा है वह दूसरा रूप ही है शक। एक ही किसे सभी को गुरुदेवे, एक ही स्वरूप सब एक जो जानवो, वो शब्द की जोत नाम की जोत सब अंदर की ताकत दे रही है। जिन्हें करंट आ रही है बिजली की, ये दे रही है ताकत बल्बों ट्यूबों पखियों सारे कारखाने, इस सब वो दे रही है। वो शब्द रूप सारे प्या कर चौंद सुख वरते प्रभ तेरा, चौंद स नाम पतालन सब में शब्द वरते प्रभ साचा कर मिले पतालन। उन्हें प्राइम मिनिस्टर बोलो दिल्ली बैठा, एक मिनट च आवाज इतने आज सारे अफसर काम कर लग जाएंगे। किन्हें कराया काम ना, वो आवाज ने हुक्म ने, वो रूप की होया हुक्म शब्द आवाज, इसलिए मर्द की आवाज सारे ही है। तो उन्होंने कहा गुरु नानक साहब ने, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुन चेला, शब्द गुरु गुरु जानिया गुरु होए सुरदन चेला। शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो, अलख आकाश उनका कुआं तामे सुर समाना हो, उसने कहने हाथ नाल दिंदा रहा। ये जरा अस नारा लाने दन दन सद तेरा ही आसर बाहर का नहीं है, ये धन है गुरु होर कोई धन नहीं, ये धन है होर कोई धन नहीं। असं रोज पढ़ते हैं सतगुरु मेरा देह मावताज, सतगुरु मेरा सच्चा सास, मेरा सतगुरु देह मावताज। गुरु ग्रंथ साहब कहते कि मेरा सतगुरु बेमावताज है, किमें बेमावताज है, बाहर निकल की पे लिया 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 किमें बेमावताज है। आ कपड़ा बनाया किसी ने, किमें बनाया, किसी कपाह बीजी, किसी चुगी, किसी बेली, किसी सूद बनाया, किसी रंग बनाया, किसी बुनिया, किन्ने हथा जिन्हें पे किन्ने कारीगर लगे, किन्ने दयाल लगे। ये बेमावताज सतगुरु है जरा फुला रंग भरता। सोचो दुबाना चेहरा बाहर है, हर दिशे हजार रहा, ये सब के अंदर है। जब ये काम करता साढ़े अंदर भी है, मौत के वक्त ये काम देने वाला, बाकी कोई काम देने वाला नहीं। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो बिना शिकुर का सब मेरे समाए, जरे जरे चाहे इन सब चली बैठे ने, ये जो सब के अंदर काम करती पी है। बाहर गुरु ना होया ना होना, बाहर किमें बने, ये नकलां चल पी बाहर के गुरु तो एक ही है। उन्होंने सामने क्या नाम है भाई जित अजिते की साखी च लिख गया, जुगा जुगंतर सतगुरु दूसरू है ना हो, 84 जामे पहन के पाछे होया लोग के कल युग के बच्चों ने 84 जामे पहन किमें पाने ने, 74 जामे संत जन 10 सतगुरु राय। पहला असि छोटे होंगे सी जब एक थों पढ़िया सी उत्थे लिखिया सी 74 जामे ना 70 जामे पाते जन 14 सतगुरु राय। हूँ जी साखियां जय 74 जामे पाते जन 10 सतगुरु राय, गुरमुख हो मिल रहा है मन में मिले सजाए, पर वेड़े ले जाएंगे संत जाके पूर, बेमुख टुटे टुट मुए मन होना बैकबूर। कि कोई सतगुरु चाहे आप आवे किस चोले च, चाहे अपने संतन को भेजे, ये दात उन्हें अपने हाथ च रखी है। जी जन्म कौन दी है उन्हें अपने हाथ च रखी है, बाहर गुरु ना होया ना होना। मसान जी कहते मोया गुरु क्यों किया, बाणी च भी आता सो गुरु करो जब बाहर ना करना, ना वो मरे ना हो सो अज मर गया कल होर करो। थोड़ा किन्ने किसी गुरु किए ने, तुलसा पास एक आदमी आया, उन्हें गुरु और चेले के मुतलिक पूछया, तो उन्हें कहा रेती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहो समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना सो पड़े नरकी खाना, एक बोल सब माही बराजा, गुरु चेला द्वार पे साजा, दो बन गए मल कितने आ गए। चेला होए नीक विद भाई गुरु है 84 जाए, चेले का फिर भी छुटकारा नियमत होया, वो अहंकार पर गया मैं गुरु हाँ बस बेड़ा कर। जिन्होंने अंदर ताकत आई है उन्होंने कदे नहीं किया कुछ, हाँ सी क्या कहते हाँ सेवादारी जोड़े जाने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी लेते हैं, जो हमको परमेश्वर उचरा सो नर कुंड में पड़े, वो को दास सवन का जानो या वे देह धरन पहचानो। इन्हें अपने अपने गुरु परमेश्वर कहाया सीधा नरकान, मैं तो दास हाँ। ये हम तुलसी साहब कहते हैं क्या कहते हैं सुनो, हाँ पितृ बंधो सती
नमस्कार करता हाँ जो सब चीतों का स्वामी है, कुल खंडा ब्रह्मंडा का मालिक है, जिसे चरण च बैठा मदरस लै रहे हैं, शांति लै रहे हैं, आनंद लै रहे हैं, जिसे मतलब असं रोज पढ़ते हैं, आनंद बया मेरी माया सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया सह सिद्धि मन विजिया वधाइया लाग रखन परिवार पर शब्द ला बनाई कि मैं ऐसा आनंद हासिल किया है कि अंदर सतगुरु ने पा लिया। कितने पाया है? सह सिद्धि सहज वास्ता च तो है कितने तलोकी तो पार चौथे लोक च त्रै गुणा में सहज न पाइए त्रै गुण परम फुलाए पढ़िए गुणिया तथे जो मुंडो कुथ जाए चौथे पद में सहज है गुरु पले पाए तलोकी पार चौथे लोक जाए उत्ते कीर्तन हो रहे ने बाजे बज रहे हैं परियां नच रहे हैं जी दिल है देखने के लायक है क्यों आनंद हासिल किया है। असं पढ़ते हैं पर आनंद हासिल करने की किसी ने कोशिश ना की कहते वास्ते पढ़े फिर कोई ख्याल आए मैं भी आनंद हासिल करा पर आनंद लैन का तो किसी ने ख्याल ना किया। यो कहना कि मैं सतगुरु नमस्कार करता जिथे मैं बैठा उसके चरणों च आनंद लै रहा शांति लै रहा फिर हाँ उन बंदो संतन जिन्हों के जरिए मैंने सुरत और मेल के खेल का सुरत और शब्द के मेल का पता लग्या बगैर संत सही राह नहीं मिले जो लोग करोड़ों युग हो गए सू मर तो विछड़े जो असं भुगते कद ऊंट बन गया कद बैल बन गया कद कुछ बन गया कद कुछ बन गया कद नरक जाने कद सुरग जाने छुटकारा करना होया सोचो मगर संतान मिलाप भी वो मेहर के बगैर नहीं आता जिन्हों बख्शे कृपा करे जिस पार ब्रह्म हो गए साधु संघ ज्यो ज्यो बधाई क्यों त्यों रंग ज्यो दो सिरा का खस माप अवन दूजे थां साधु तुठे पाइए नंग सत्या नाम तो तलक साधु का उधर मालिक नाल भी है सतगुरु नाल भी है इधर साढ़े नाल भी है एक जिंदे विच वेले ने उन्हें जो कम लेंदा है फिर संतान ने जिन्हां ने सुरत और शब्द के दस एक ही राह है मालिक में मिलने का जुगा जुगी जो मालिक के दर पर कर रहा है मालिक दरगाह जाने का एक ही रास्ता है सारे की पैदाइश तरीके नाल है चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे ईसाई है सोच लो मौत का तरीका भी एक ही है इस मालिक को मिलने का भी तरीका एक ही है बाकी काल दे से आपे पाए नहीं सारे वो किहड़ा है उस नाम या शब्द में प्रगट करना जो रूप है तसरूप न रेख अनाहत बाजे शब्द ने जिन आप किया उधर रुके शब्द या नाम हुक्म पाना पाना करने किसी मौज न मौज का जार हों जब हुक्म करे हुक्म हो नाकार हुक्म न किया जाए हुक्म हो जिया हुक्म ले वड्याई हुक्म जब बोले शब्द शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द या प्रकाश शब्द लैन कहे नाम नाम के धारे सगले जान नाम के धारे खंड ब्रह्मंड ये पाती जी मालिक बख्शे कर कृपा दोबारा बोले चरण शरण संतन गवर्नमेंट हस्पताल क्यों खोल दी है डॉक्टर हस्पताल क्यों खोल देने सारी बीमारी दूर करने वास्ते मालिक संतन किस वास्ते भेजता है कल वास्ते आते हैं ये साढ़े दुख दूर करने वास्ते अखा खोलन वास्ते सोच लो असं दवाई नहीं खाते उन्होंने लिए भी उन्होंने दसी भी दवाई नहीं खाते ये विश्व कार नहीं छड़ते दुनिया की ख्वाहिश नहीं छड़ते फिर जावे कि अंदर हाँ सारे सूर सूरत सारी भक्ति का मूल की है ये तीसरी अख शिव देवता जिन्होंने कहने थर्ड आई कहने इन खोलना
अंदर सतगुरु नूं प्रगट करना सर दा मूल यह है। बस ईसा ने लिखा है कि जिसम अख जिसम दा नूर है, अगर तेरी एक अख हो जाए, अगर तेरी एक अख हो जाए तो तेरे अंदर नूर है, नूर हो जाए। एक महल दो बारियां, शिव शक्ति सुल्तान खिड़की खोल दीदार दिन, बहुत बड़ा अनुमान नाम समझ गया क्या। ये महल है, ये दो बारियां ने, ये चलता फिरता महल है, जिम्मे ताकिया नहीं देखते हैं, देख देख के कम करते हैं। जिसा नहीं कि आई सर विंडो सर दिसोल तो करूँ दिया खिड़कियां ने, इन्हों अंदर समेट तीसरी अंख जिथे ताकत मिलती है उत्थे खड़ा कर, तेरे अंदर नूर नूर हो जाए। हाँ जिम्मे इतने आप लाने ना सुच, एक नार के नाल दो ला लें, अंदरों मिलती है ताकत उन्होंने, अंदर रखे उन्होंने बहरले क्ढे छे तो इन अंदर नूर नूर हो जाए। हाँ हाँ जी करण सूर सूरत समझाई, और सब यह आ कम कोई भी नहीं करता यह असली है। हाँ राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर, पलटू संत के मिले बिन राम से परे नपुर। फिर जो संत मिल जाए फिर दीनता नाल शरण च रहना औखा है। सोच लो सब कहने दसरी संता की हो दसरी यह चारा सिख ली सगल गुणा गुणोत्मा परथा दूर न बिखी। संता ने नवाणी जी दासी बन जा, ये सब ते उच्चा गुण है। जे आ जाए निम्रता आ जाए उन्हें को निम्रता नाल पंचन करे, उन्हें हुक्म नाल मुताबिक रहे, कहते मालक दूर है कोई, वो की कहते ने विशेष कार छड़ दे, दुनिया की ख्वाहिशें छड़ दे, लोक लाज छड़ दे। मीरा ने छड़ी लोक लाज, नट्ठी भज्जी फिरती सी, मालक ने मेहर की तड़प सिस्टी दस लेंदा भी हो जिन्हें तड़प है दूजे अंदर नहीं। दुनिया अंदर ठेके लैने दुनिया के, मालिक का ठेका किसी ने लिया, मालिक का ठेका जिन्हें लिया तड़फता फिरता है, मालिक का कल दर्शन हो गए, कब मिलूंगा। मेरा नट्ठी भज्जी फिरी, मालिक ने मेहर की होते रविदास मिल गया, लोक लाज छड़ी चरण च गई, हुक्म देवदास सेवा भजन किया। की कहती है सांकड़ी गली मेरे सतगुरु मिले किसी फिर कुठी, सांकड़ी गली में सांकड़ी गली च आवे तो है राह खुदा भी हावला बारह दसवें पाए, इतने आवे तो मिले कितों मिले सतगुरु। सोचो कहते मैं शर्म च गया क्या, फिर उन्हें हुक्म देवदास परिश्रम कर लेते सतगुरु पा लिया, जड़ा जावे पावे, जड़ा करे कम, जड़ा दिन तक त्यार करे। हाँ हाँ जी मैं मतीन दीन दिल दीना संत शरण सतगुरु को जीना, सतगुरु नम सिंध सुख दाता
ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੱਚੇ ਹਨ ਸੋਈ ਹਰ ਜਨ ਕਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਜਨਮੇ ਆਪ ਰਖਾਨ, ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਗੜੇ ਦਾਦੂਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਜਾਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ, ਬੰਬਈ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਉਹ ਪਕੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਹਨ ਸਤ ਰਾਹ ਰੀਤ ਦਰਸਾਈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਸਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਸੇਵਾ ਪਰ ਸੱਥਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਮਨ ਦਾ ਤੁਲਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਿ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੈਠਾ ਪੁਰਸ਼ਮਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰਤੰਦਰੀ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਦੁਆਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਫਿਰ ਭਟਕਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ, ਬਾਂਗ ਕਹੋ, ਕਲਮਾ ਕਹੋ, ਕਲਾਮ ਲਾਈ ਕਹੋ, ਵਰਡ ਕਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਫ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਦ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਮਨ ਹਮ ਤੂੰ ਸਦਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਬਾਰ ਗੋਸ਼ ਸ਼ਮਾ ਬਾ ਨਾ ਦਹਕ, ਤਾਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਰੇ ਸਬਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਸੋਚੋ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬਾਹਰਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਔਖਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੱਖੀ ਬਾਜੋ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਜੋ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਚੋ ਉਹ ਕਦ ਖੋਲੋਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇ? ਇਸੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਖਾਸੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਲੇਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰ ਕਲੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦਾ, ਪਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਪਕੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪਕੜਾਉਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪਰਗਟਾ, ਦਰ ਤੁਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਨਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਏ, ਅਨਾ ਤੁਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਨੈਲੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਪਕੜ ਲੈ ਸਿੱਧੀ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜਾਓ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਤਨਾ ਦਿਓ ਹਮਰਾ ਆਵਨ ਕਹੋ, ਚੁਭੀ ਰਹੇ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨ,
ज्यो त्यों प्रभु हमको समझायो तुम क्या की लोग उठायो कि मेरा तो जी नहीं करता सी जगह छड़न शांति प्रेम आनंद पर मर्द ने ज्यों त्यों करके समझा के भेजा थोड़ा तो कम बन गया तू जब मर्जी आ सकते हो जब मर्जी जाओ उन्होंने समझाओ शायद कोई मन जे वह भी कोई सुख का साह ले लेना कोई कोई तो मने पर मन का कौन देख लो इत मसाई सामने सर्दियों कच्चे कच्चे गुफा बनिया उस दिन लिपिया पो मागदा महीना धूनिया ला के साढ़े वास्ते इन तकलीफा कटते रहे बोलो सोच लो उन्होंने सेवकों के जरिए असली तालीम खराब हुई है मगरों वास्ते और किसी ने नहीं की उन्होंने खुद गलतियां नहीं की हाँ ये ना मन किसी वेले ने मन कहना कोट में कोई जो भजन आपको पाए कोट में कोई विरला सेव खो सकले बिहारी बहन बिहारी सब बन जाएंगे पर असली कोई विरला हाँ ता ही तो झगड़े पड़े दुनिया च नहीं झगड़े नहीं होने सवाल नहीं झगड़ेगा अगर अंदर नाम का रस ले शांति ले ले झगड़े नहीं रहता हिल मिल खेल शब्द में अंतर ही नरे समझेगा मत एक है क्या पंडित क्या शेर एक मुसलमान की ने लिखा नगमा ने एक शनीतम बनना था वाफर कावा बुद्ध का ना बनीतम शुद्ध हर दुकाफ कहीं जब मैं अंदर ले राग राग ने सुनिया कावा बुद्ध का ना मेरे दोनों काफर लगने लगे गुरु तेग बाद कहने ने माई मैं धन पाया ना मन मेरे धाम ते छुट गयो कर बैठो विश्राम काम करो नेड़ी निकाल के उन बोलो ये लड़ाई आज पाने वाले कौन है फिर शांति आ जाए पुन पुन चरण कमल सिर गुरु लिखे पाया नान संसाए जब सारी आकड़ा निकल जांदियां ने मेरे हुण कोई वेश नहीं जांदी मालक अगर रोंदा फिरदा फिर कोई साधु मिलता है फिर संत मिलता है मालक नहीं मेरे नाल आप ही पछाण नहीं सकता फिर तीरता नाल उन्हां दी सेवा च रहे तां फायदा उठांदा है संत जिहड़े मालक दरगाह च आउंदे ने उह लैंदे भी कुछ नहीं ते छड़दे भी कुछ नहीं किवें ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲਤੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਜਦ ਗਿਆਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਔਰ ਧਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਤਾ ਤਨ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਈਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੱਤੀ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਸੋਚ ਲਓ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਮਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਧਰੋਂ ਖਿਆਲ ਤੋੜਿਆ ਹੁਣ ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਨ ਰੋਕਿਆ ਮਨ ਰੋਕਿਆ ਰੂਪ ਚਲੇ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ
रस ले लिया, शांति ले ली, कुछ ज्ञान हो गया जी हो गया, कोई कसर कोई कसर नहीं, समाल अपना तन मन धन उन्हें की करना है, उन्हें को अपना तन है यही सामने जाता, सोच लो ये मन बड़े बड़े में काबू नहीं आया, उन्हें की करना पड़ा मन सोचो, उन्हें को तन है जेड़े कदे ना मुके जेड़े सारे भुखा गवा दिता है, सचा नाम मेरा धारो सचा नाम आधार मेरा जिन्हें भुखा सब गवाइया, उन्हें ये तन की करना है, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू न हो वैसे धन मैंने पायो, खर्चू ला खत्म नहीं होए दिन दिन वर्ष आयो, सोचो पर अपने ना समझी इंसान सतगुर का समझ के सेवादार बन के काम करी, बोलो की लिया ते की छड्या, सोचो जेड़ा कोई लेंदा वो साधु ही नहीं, दादू साध पीखी अंतरात्म देख मन माई माया रहे आपे आप लेते दिन मालिक मालिक माया माया लगी पई है, सोचो वो बेगर्ज होकर साड़ी सेवा करते हैं, कोई गर्ज नहीं रखते, हाँ क्या मुफ्त इलाज करता मेरा, हाँ जी कबीर साहब ने कहा नाम रतन धन मुझ में खान खुली कट मैं सीत भी दी दे तू गा कोई ना है, मुफ्त भी नहीं कोई लेंदा है, हाँ हाँ जी तीन जान तीन ही मोहे मना है ही नहीं, जरा मुक्ति वाला नाम है, ये दुनिया का ही नहीं,
उलझुलपन की चीज नहीं, नाम डोर है को कोई नहीं जानता, निश्चित निरूप दृष्टि नहीं आता, उलझुलपन की चीज नहीं, अलग चीज है, शक्ति है। लफ्ज़ नहीं खंड ब्रह्मंड बना सकते, नाम के धारे सकले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, कोई शक्ति हुई वो कोई और चीज है, मतलब ख्याल ही नहीं किसी ने लफ्ज़ बैठे ने नाम। हाँ, जो नाम प्रगट कर ले जो होता है, राम नाम है जो सवाई, जब जो देखी एक खालसा बन गया, पूर्ण जो जगह कट में तब खालसा था, इन्हें खाले जाने इस जिंदे मन का सवाल है क्या, जब चीज गठ खोल के ख्याल में खंड पीछे इकट्ठा करे इन्हें जिंदा मानना, फिर नाम ना तुरंत पहला। फिर साहब कहते ने अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जब जीवित हुआ, जब जिंदा मरिया मैं सनातनी बन गया, वो नाम का तीर्थ है जो सारी मैं साफ करता है, अरसर तीर्थ है नाम है कि कटनारा, जब मैं साफ हुई तो पाक बन गया, श्रेष्ठ बन गया, यारिया बन गया, सोच लो कब देने करना सी, यही सच्चा सौदा हो गई है, सच्चा सौदा नाम है सत बापार राम, गुरमत्ती हर नाम बन गया मूल पारा राम, एक बाणी एक गुरु एक शब्द विचार, सच्चा सौदा हर सत रचनी फिर भंडार, वही बाणी है वही गुरु है वही शब्द है, हम प्रगट करने सच्चा सौदा है वह सत्ता कटा, इतों तो मार्ग शुरू हों, जे इतने आ गया तो सब कुछ बन गया, नहीं तो कोई नहीं, पलेटिंग वेटिंग है सब। हाँ, इतने वाके नामधारी बनगा, नाम का तलक जुड़िया ता नामधारी बने के बने। हाँ, संत दयाल कृपा भंडार लैके आते, दयालू ही दयालू ने, सुख देने वास्ते आते ने, इन्हें सुखा के ताम बचाने वास्ते आते ने, जेड़ा उन्हें छड़ गया पापी ते पापी उतर गया, अदम ते अदम पापी तो पापी, मूर्ख ते मूर्ख, पहलो सब कर जाते ने, कहते पढ़ते रोज क्या नाम है कोट प्रांति संसंग उतरे, जम ताके निर्णा आवे, जम जम का पिछड़े आवे, तेने हर्षवान बुलावे, अपराधी ते अपराधी भी होवे, पूरा सब कहने मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे, सोचो जेड़ा भी छड़ गया उन्होंने खड़ा छुट गया, जिन्हों भी वह रास्ता दे दें, जे भगती कर ले तो इसे जन्म चले जाता, नहीं चाहे एक जन्म होर दे लैन, नहीं तो अगे बिठाए कराते हैं, पर उन्हें छड़ते नहीं, बस जमदूत खड़ा छुटे तो महकमे अड्डा है, काल के महकमे तो अड्डा है, उन्होंने महकमा अड्डा जमदूत नहीं उन्हें नेड़े आता है, उन्होंने सिमरन का ना जमदूत आवे ना काल आवे, प्रभ के सिम दूत जम नशे, प्रभ के सिम काल पर हरे, वो कितों मिलता सिमरन, प्रभ का सिमरन साध के संग सिमरन दा नानक का रंग, टट्टी पेशाब निकल जाता है वह खुशी खुशी जाने, चेहरे होर हो छेती आकड़ता ही नहीं, जिसम तो पहले ना नूर हो, यह निशानी है प्रेम की, हां मौत की। हाँ जी, संत दयाल कृपा सुखदा, यही बुरा शब्द शब्द हो को नहीं था पिंगल। हाँ सुना, मैं मसाधु संग, जिम्मे तुरे साहब ने कहा पापी ते पापी तर जाता है, वो भी कहते ने क्या, हाँ साधु संग की सुनो मेरे मी
ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਕੀ ਰਹਿ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਉਂ ਗੰਦਗੀ ਕਾ ਪਾਸ, ਜੋ ਕੁਛ ਗੰਦੀ ਦੇਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਸ ਵਾਸ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦਮ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਮ ਕਰੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਕੱਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਕੱਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਾ ਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਫੌੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਟੰਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਿੰਗਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ? ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ, ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ। ਜੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੰਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਧੂ ਉਤਾਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਗਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਬਿਆਬਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੁਪਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਹਿਰੋ ਬਿਆਬਾਨ ਸਮੁੰਦਰ, ਬਿਆਬਾਨ ਜਵਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਆਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਆਬਾਨ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈ ਬਿਆਬਾ ਦਰ ਬਿਆਬਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮ ਚੰਦਰ ਬਹਿਰੇ ਪੂਰੇ ਤਾਰੇ ਮੂੰਹ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਲ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਬੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸੋਚੋ ਸੋਚ ਲਓ। ਇਸ ਕਾਇਮ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਸੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ, ਇਸ ਕਾਇਮ ਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਵਸੇ ਸਭਨਾ ਖਰਪਤਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਾਇਮ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਹੱਟ ਪਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ, ਇਹ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਆ ਕਾਇਮ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯਾਗਟ ਪੀਤਰ ਬਣ ਔਰ ਬਸਤੀ, ਆਈ ਮੈਂ ਝਾੜ ਪਹਾਰਾ ਬਣ ਔਰ ਬਸਤੀ, ਬੋਲੋ, ਯਾਗਟ ਪੀਤਰ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੰਚਨਾਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਗਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਹਾੜ ਜੀਵ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜੇ, ਸੋਚੋ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਸਲੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਠੰਡੇ ਹੋ, ਕੱਦ ਖੜਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਝੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਕੱਚਾ, ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇ ਲਾਏ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਖਣੀ ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਿਰੋ ਪੁੱਠੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਮੈਨੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਨ ਪਾਇਓ, ਜਿਸ ਕੋ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਸੁਖੂਲੇ, ਮਨ ਅਨੰਦਰੇ ਸਮਾਇਓ, ਨਾਮ ਦੰਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ ਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਹਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਮੰਦਿਲ ਤੀਰ ਪਾਣੀ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਪੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖੋ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੀਆਂ ਕੀਮਤੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ
देखो जगह जगह डरती फिरती है, कीड़ी बनी पई है। अस्थि केड़ा है? काल जो सब लोग खा गया। इधर पादड़ी जी जाने शब्द बोलते ने, इधर घोबड़ा सिरे तीन लोक और चौदह भवन इस गोकुड़ का राज सबको खा गया ना। तीन लोक और चौदह भवन इस गोकुड़ का राज ब्रह्मा शिव विष्णु सब लोग खा गया। क्यों सोया क्या करे, सोए हुए काल ब्रह्मा का संडिगा सुनी काल की गाज। धरती करते एक टिक, दरिया करते फार, अंको पर फाड़ते सो भी खाए काल। एडेडी शक्ति नु खा गया सोचो। कहना फिर काल जरा है ये जी चिमटी बनी पी है उन भी जित के नंग जी अगे। याद किया सत्संग सारी आ गई अंदर सब तसलियां दिंदा। फिर कहना सब नट गए, कहने आपां तां पंगा ही लै लिया सी। जंदू नेड़े ना आउण कल नेड़े ना आवेगी है एवें दौड़ो है तजर्बे च लिखे उन्होंने तां क्या प्रभु के सिर दूत जम नशे प्रभु के सिर काल पर रहे। किसी गैर सत्संगी की मौत होंगी होवे एक कोल बैठे सुनण कहते कमरे जंदू तां वरण की ताकत है दूजे ते कढ देवे। हाँ जो जो कीनो आपनो तिस अभेदान दीता। जादे पंचम करता है इन सलियां मिल दिया ने इधर शक्ति आ जाती है चिंता फिर मिटन लग जाते ने इन भरोसा भरोसा हो जाता भी सतगुरु मेरे नाल नाल है। कोई चिंता फिक्र रहती नहीं मैं आपे सतगुरु करूंगा बस फिर आजाद हो जाता है। हाँ जो जो कीनो आपनो तिस अभेदान दीता मैं मन साधु संग की सुनो मेरे नीता मैल कोई कौन धन हरे निर्मल भय खजाना बन बन के थक गए सोचो।
ਦੇਖ ਲੋ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਲੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਦਮ ਆੜੀ ਕੋ ਤੇ ਗਨੀ ਤਨੀਤਾ ਮੈਂ ਮਸਾਧੂ ਸੰਗੀਤੀ ਸਿੰਹ ਮੇਰੇ ਨੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ दरवाजे प्रगट की ना दसवा खोल जाए जनतीना जहां कुटरा मारा है एक आया दे मंदिर दे नौ दरवाजे पार ने दो कान दे दो कन्ना दे तो नक दे छी इक मुंह सत तो नौ दस मंदिर खुलदा है वो खोले फिर अगे जावे अगे पार रहे ब्रह्म देश पार करके अमृतसर नावे फिर साधु बनता है सात सोई जिन एक गढ़ लीना नौ दरवाजे प्रगट कीना दसवा खोल जाए जिन दीना जहाँ कुकरा मारा है आगे सीत सुन है भाई सीत सुन कहो मानसरोवर कहो प्राग कहो अमृतसर कहो आगे सीत सुन है भाई मानसरोवर पैठ न आई हंसिन मिल हंसा हो जाई मिले जो मी हारा है उधर साधु है उन्होंने जरिए जा सकते हैं कोई तरीका नहीं एक ही गल है बस सब फकीर एक गल है कि मोहम्मद साहब ने लगे भी जगह कि मालिक ने फरमाया है कि मैं एडा वड्डा कि जमीना आसमाना सुरखा नरका पताला कितने नहीं समा सकता लेकिन अजीब गल यह है दर दिले मोहम्मद बगुन जमी अजब गर्मरा पाही अजा दिल हा तलब कि अजीब गल यह है कि मोमना क्या गुरु खान के अंदर मैं समा जाना जिन्हें मैनू मिलना उन्हें जरिए मिल सकते बस अपन लिया जे मिले विछड़ के रोवन साह संग प्राप्ति नानक मनन अनेक जन पिछड़े दुख पाया कर्म करे मन में कर्म करे अहंकारी साधु पर सतीत पर पाया गोविंद शरण तुम्हारी सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साह संग जिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना जद मिलना संतन जरिए साधन जरिए और कुछ दिखा ही नहीं संत दयाल कृपा सुखदाई तुम्हारी शरण अधम तर जाई
खास उसली मार जाए उन्होंने कहा संत का मार्ग कर्म की पौड़ी को भागी पाए किसी पिछले पाग वाले मिलता है आम ना उसली मार गया संत का मार्ग धर्म की पौड़ी धर्म की है ऐसे बांधे धर्म तो ठीक ही ला जरा असली छठ बैठे क्या है वो सर्व धर्म में शेष धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म नाम जप के आत्मा का कल्याण करना तो सच्चे नाम प्रगट करना सदगुण प्रगट करना ये धर्म है सुन लो बाकी धर्म करने ये ना हो यार ये धर्म है सर्व धर्म में शेष धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म क्या संत का मारे धर्म की पौड़ी इस पौड़ी ते चढ़े तो फिर मार्ग दुर्गा जा सकता है हाँ हाँ जी जो कछ करे करे सोई संता हर सो कुछ करे जो हर के संता पावे कीता लोड़न कोई कराएं दर कोई फिर न कोई पाएं दर अज मर्द एजेंट ने कम करने वाले कारकुन ने तो संत ने जो मर्जी कर उन्होंने प्यार है ये प्रश्न क्या राम समीपी संत है वह जो करे सोए वह जो करे सोए हुक्म में उनके साहेब संत कहें सोई करें राम न करते पाए ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਲਿਆ ਰਾਹ ਕੁਦਰਤ ਅਜ਼ਲਾ ਤੀਰ ਜਸਤਾ ਬਾਜ ਗਰਦਾਨ ਜਿਲਾ ਕਿਆ ਉਹ ਅੱਲਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਔਲਿਆ ਫਾਲੇ ਹੱਕ ਕਰ ਐ ਬਿਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਛੱਡੇ ਤਨ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰ ਛੱਡੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡੇ ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਰਵ ਕੁਸ਼ਲ ਤਪ ਦੀਆ ਸੰਤ ਮਿਲ ਅਵ ਨਾ ਦਾਤਾ ਦੀਆ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੋ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਨ ਉਹ ਕਰਨ ਹਾਂ जो कछु करे करे सोई संता संत बिना नहीं पावे पंता मोरे इष्ट संत सुरत सारा सतगुरु संत संत केड़े संत केड़े संत जिन्हां दी सुरत सार शब्द च लगी है ये बाले लफ्ज़ तो फना ने ये ज्यादा लोकी तक कम कर देने बाग नख लोकरा सब कुछ नहीं माए ये करके जाएंगे अखरीन में नाए सारी दुनिया भुली है मेरे साहब आप पर भार बुलानी अखर लिखे से ही बाबा ना जाना पानी की तो पता ही कोई नहीं बिंदुओं के आना था त्रैगुण बाणी जी कहने त्रैगुण बाणी ब्रह्म चंजाला पर बाद बुखारे से मारे जमकाना फिर सन के जा मरे जप्पा मरे अनंत भी मर जाए सुरसमानी शब्द में ताको काल न खाए उद्धव के सार शब्द है सत शब्द है जिन्हें वो सत शब्द पकड़े हैं वो मर्द राज गए हैं वो सदगुरु के कोल गए हैं उन्होंने परम पद हासिल किया है वो मेरे इष्ट ने हाँ
सगल थान उत्तम थान जागत बच्चे हर नाम बस वो असली है। साध बिना नहीं दरबार बस खत्म है। साध बिना नहीं दरबार ये साधु नहीं तब दरबार केड़ा कह गए मां सुदेव का स्कूल केड़ा कम मई हाल रहा। हाँ मनो लड़ी जाने पर सुनिया। हाँ जी कोई नहीं कोई नहीं बात किसी से भी नहीं होती अगे चलती अगे शब्द बोल देंगे ना बड़े बड़े हार के चले पता नहीं लगता तेरे खेल ला बस। अच्छा तू अपना साधु साधु कर दे जिंदगी दे सतगुरु जाने से डेरा जाने है। लंगर बनता सी पहला हम सुपर वाला जल्दी कर छेती देखी हवा भड बापू कि डंगर प्याज छड गया आप इतने छड़ जाने बस गल तो है ये थी रह जाने ने सारे गल तो है सब ने छड़ जाना है किसी ने रहना मगर हो जाने तो कम जाने ये रह गया क्यों बस। हाँ बोल शर्म की पौड़ी जब बोलता हाँ टून बजाओ कहना मैं नचना है। अच्छा चल फिर बजा दो मिनट जमदे लोभी होंगे ने जमदे क्रोधी होंगे ने जमदे कामी होंगे ने सोच लो
ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਨ ਸੰਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਜਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟੇ ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੁਆਏ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਚਾਹੇ ਦੇ ਜਨਮ ਪਕੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਸੰਤ ਮੈਂ ਮਨਾਉਣੇ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ
Oh,
आगे आगे